हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने में हमारे शरीर की जठर अग्नि की विशेष रूप से भूमिका होती है। यदि हमारी जठर अग्नि या पाचक अग्नि ही इस खाए हुए पदार्थ को पचाने में असमर्थ होगी तो हम कितना भी संतुलित आहार क्यों न कर लें, फिर भी हमारा पाचन सही नहीं रहेगा। इसलिए पाचन को ठीक करने के लिए हमें हमारी पाचन अग्नि को समझना होगा कि ये किस प्रकार की है और इसको जड़ से ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार अपनी जठर अग्नि को आप समझ गए तो आपकी पाचन की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में बने रहिए, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। डाइजेशन को लेकर के आज अधिकांश व्यक्ति परेशान है, जो अपने आप में एक गंभीर समस्या है। इसके लिए लोग तरह तरह के लीवर टॉनिक्स, मेडिसिन और कई प्रकार के घरेलू नुस्खे को भी आजमा रहे हैं, इसके बाद भी समस्या उनके साथ जुड़ी ही रहती है। बदलते हुए लाइफ स्टाइल के चलते लोगों का टाइम से खाना, उठना, बैठना सब कुछ बदल सा गया है। इसलिए जब तक इसका प्रॉपर कारण नहीं जानेंगे तब तक घरेलू नुस्खे या फिर मेडिसिन का भी कोई विशेष असर नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं कि खाना क्यों नहीं टाइम से डाइजेस्ट हो पाता है। इसको समझने के लिए अग्नि को जानना होगा। देखिए, हमारे शरीर में कुल 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, जिसमें 5 महाभौतिक अग्नि, 7 धातु अग्नि और 1 जठर अग्नि होती है। इसको ही पाचक अग्नि कहा जाता है। यहाँ पर सभी अग्नियों का अपना अपना काम होता है, जिससे शरीर का बैलेंस बना रहता है। जैसे जो 7 धातु अग्नि होती है, इसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु अग्नि होती है। यदि रक्त धातु की अग्नि डिस्टर्ब हो गई तो ब्लड से रिलेटेड डिजीज होगा। ऐसे यदि मेद धातु की अग्नि पर कोई प्रभाव पड़ा है या वो डिस्टर्ब हुई है तो मोटापा, ओबेसिटी जैसे समस्या देखने को मिलेगा। इस तरह से देखा जाए तो जो जठर अग्नि या पाचक अग्नि होती है वही हमारे शरीर में मुख्य रूप से पाचन का काम करती है। इस वीडियो में अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी अग्नि किस प्रकार की है और आपको किस फैक्टर पर काम करना है जिससे आपका डाइजेशन सही रहे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अग्नि 4 प्रकार से पाचन को प्रभावित करती है, जिसमें पहला, ऐसे व्यक्ति जो कम, ज्यादा मसालेदार किसी भी प्रकार का भोजन कर लेते हैं तो उनके भोजन को पचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। साथ ही 3 से 4 घंटे में वापस से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, तो इस प्रकार की अग्नि को तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं। ये पित्त दोष की अधिकता होने के कारण होती है, जो कि पित्तज प्रकृति के व्यक्ति में अधिकांश रूप से देखने को मिलती है, तो इस प्रकार की अग्नि को तीक्ष्ण अग्नि कहा जाता है। दूसरे प्रकार की अग्नि, ऐसे व्यक्ति जिनमें कभी खाना टाइम से पच जाता है तो कभी नहीं पचता है, कभी ज्यादा खा लिए तो भी खाना पच जाता है और कभी हल्का खाना खाए फिर भी नहीं पचा, 8 से 10 घंटे हो गए फिर भी भूख नहीं लग रही है, तो ऐसे व्यक्ति में अग्नि विषम होती है, जो कि वात दोषज व्यक्ति में प्रधान रूप से होती है। इस प्रकार की अग्नि को विषम अग्नि कहा जाता है। इनका सॉल्यूशन हम आगे जानेंगे। बात करते हैं तीसरे प्रकार की अग्नि की, ऐसे व्यक्ति जो सामान्य मात्रा में खाना खाते हैं या बहुत ही कम मात्रा में, इसके बाद भी उनका खाना प्रॉपर नहीं पच पाता है, क्योंकि कफ की अधिकता होने के कारण अग्नि मंद हो जाती है, जो कि अधिकांशतः कफज प्रकृति के व्यक्ति में देखने को मिलती है। इस प्रकार की अग्नि को मंद अग्नि कहा जाता है। बात करते हैं अब चौथे प्रकार की अग्नि की, जो कि सम अग्नि है। इसे ही बेस्ट अग्नि माना गया है। इसमें वात, पित्त, कफ तीनों दोष बैलेंस होते हैं। ये सामान्य रूप से डाइजेशन का काम करती हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब तक कि हम भोजन को अनियमित रूप से ना लें, बिना समय के या फिर मिर्च मसालेदार ज्यादा हैवी डाइट ले रहे हैं, ऐसे में इस अग्नि पर प्रभाव पड़ेगा। और वात, पित्त, कफ इनमें से कोई एक दोष भी डिसबैलेंस हुआ तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से हमने डाइजेशन को समझने के लिए 4 अग्नियों के बारे में जाना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपकी किस प्रकार की अग्नि डिस्टर्ब है। तो चलिए जानते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, 4 जठर अग्नियों में से हमने जाना है कि विषम अग्नि में वातज दोष की प्रधानता होती है, मंद अग्नि में कफज दोष की प्रधानता होती है, तीक्ष्ण अग्नि में पित्त दोष की प्रधानता होती है और सम अग्नि में वात, पित्त, कफ तीनों दोष बैलेंस होते हैं। तीक्ष्ण अग्नि और सम अग्नि वाले व्यक्ति में पाचन से संबंधित कोई विशेष समस्या देखने को नहीं मिलती है, लेकिन विषम अग्नि और मंद अग्नि वाले व्यक्ति में पाचन की ही समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है। इसलिए हम समझेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए, इस वात और कफ दोष को बैलेंस करने के लिए आपको अपने डाइट में और डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाना होगा, जिससे ये दोष बैलेंस हो सके। इसके लिए आप खाने में घी को शामिल करें। खाना आपका सूखा या कम पका हुआ नहीं होना चाहिए। खाने में खिचड़ी, मूंग की दाल को शामिल करें। ठंडा खाना
नहीं खाएं। शुंठी पाउडर आधा चम्मच और लगभग एक चम्मच घी में मिलाकर खाने से फायदा होगा। साथ ही त्रिफला पाउडर एक चम्मच रोज रात में सोने से पहले एक कप गर्म पानी से लें, लाभ होगा। खाने के पहले या तुरंत बाद पानी ना पिएं। इस तरह से वात और कफ दोष को बैलेंस रखने के लिए आप सभी प्रकार के डाइट को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लाकर स्वस्थ रह सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सेहत से जुड़े 21 महत्वपूर्ण बातों को बताया है। आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करके हमें जरूर बताएं, साथ ही अपने परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें। ऐसे ही आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।